जी, तो आगे हमने करनी है बर्निंग करनी है, मिक्सिंग करनी है। जितना भी रॉ मटेरियल है उसको सबको डाल के आपने उसको एक खास प्रपोर्शन में, जाहिर है उसके आपने तैयारी कर लेनी है। आपको लिक्विड फॉर्म में आपका सिलिका वो ग्लास मिल जाएगा। उसके बाद आपने उसकी एनीलिंग करनी है। एनीलिंग मतलब उसको कूल डाउन करना है, ठीक है। कूल डाउन इतना नहीं कर देना कि वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो, इतना करना है कि वो किसी भी शेप में चेंज की जा सके, ठीक है। उसके बाद शिपिंग करेंगे, डिफरेंट मोल्स के जरिए शिपिंग होगी। उसके बाद आपने उसकी फिनिशिंग, फिनिशिंग में आपके आ जाएगा पॉलिशिंग वगैरह हो गई, उसको कलर अगर कोई डिज़ाइन लगाना है उसके बाहर, तो हमारे पास वो हो गया, उसमें हमारा ये तैयार हो जाएगा। डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट टाइप्स के आपके पास उसने वहाँ पर ग्लासेस दिए हुए हैं, ठीक है। पायरस ग्लास है, ठीक है, और ये जो जो भी नॉर्मल हमारे ग्लासेस होते हैं, ठीक है, और ये विंडोज़ वगैरह के ग्लासेस, हर तरह के डिफरेंट ग्लासेस है ना। क्रॉकरी में जो ग्लासेस यूज़ हो रहे हैं वो और तरह के होंगे, तो ये आगे उसने इसकी डिफरेंट टाइप्स भी आपको मैंशन कर दिए। सीमेंट है, सीमेंट आपको पता ही है, इसमें तीन मेन कंपोनेंट है, लाइम स्टोन है, क्ले है, जिप्सम है, ठीक है। एक खास प्रपोर्शन में सारे आपके पास ऐड होते हैं। लाइम स्टोन तकरीबन 75% ऐड होता है, क्ले आपके पास 25% ऐड होती है, और जिप्सम आपके पास मेन जो है वो 2% ऐड करते हैं हम, ठीक है।